तो जैसे कि अपन ने देखा टाटा DLD का 40 फीट ट्रॉली है, उसी तरह से अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 20 फीट स्केलेटन, 40 फीट स्केलेटन, हाई बेड, लो बेड, ठीक है। उसे देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सचिन गोस्वामी और आज हम लोग ये ट्रॉली के बारे में देखते हैं कि टाटा DLD की 40 फीट ट्रॉली कैसी है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कैसा सिस्टम दिया है, इसके बारे में बात करते हैं। ये है टाटा DLT 40 फीट फ्लैट बेड। इसका फिनिशिंग भी अच्छा है एकदम। सबसे पहले बात करते हैं इसके बम्पर के बारे में। आज में एक बम्पर दिया हुआ है, अपन ट्रॉली की शुरुआत पीछे से करेंगे। बम्पर दिया हुआ है, टेल लाइट लगा हुआ है टाटा DLT का एकदम लोगो, पीछे बैक साइड में जो फर्स्ट अच्छे से दिखता है। यहाँ पर भी एक टेल लाइट है, साइड पार्किंग लाइट दी गई है, टूथ दिए हुए हैं। साइड गार्ड लगा हुआ है, फोर्टी फीट फ्लैट बेड जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो ये 7-pin सॉकेट लगा हुआ है, कप पाम कपिंग दिया हुआ है बराबर। इसमें 12 ट्विस्ट लॉक लगे हैं, इसमें आप 20 फीट और 40 फीट दोनों कंटेनर रख सकते हैं। ये इसका मिनी गियर है, इसके सहारे आप इस ट्रॉली को जोड़ ऊंचा नीचा कर सकते हैं ट्रॉली को। ये इसमें दिया हुआ चेसिस नंबर प्लस नीचे भी अलग से मार्किंग किया हुआ है। ये है इसका स्टेपनी स्टैंड पार्किंग लाइट के साथ, मेरा साइड गार्ड बड़ा सा है काफी। इसमें आगे की तरफ एक कंटेनर लॉक, बीच में ये दो दो कंटेनर लॉक लगे, एक ऑयल पॉजिशन का भी मार्किंग दिया हुआ है, बस मड कर दिए है। देखते सस्पेंशन जो है वो यूज कर दिया हुआ है, एक्सल है का ट्रिपल एक्सल सेट है, इसमें 12 टायर बिरला के BT112 बिल्डिंग साथ में लगी हुई है, कंप्लीट है। इस साइड में आते देखते हैं तो टूल बॉक्स दिया गया है, अच्छा सा काफी बड़ा है, जिसके अंदर कोई भी जैक है, व्हील पाना, तांबी वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। इस साइड में जे हुक लगे हुए हैं, नीचे के साइड अगर देखे तो किंग पिन वगैरह लगी हुई है। ये है टाटा DLD की 40 फीट फ्लैट बेड कंप्लीट ट्रॉली।